नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में, मैं आपके साथ। हमारे देश में लाखों की संख्या में शिव मंदिर है। इनमें से कई शिव मंदिर कई रहस्यमयी और चमत्कारी हैं। इनके चमत्कार देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी शिव मंदिर है। इसके बारे में मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती हर दिन तीनों लोगों का भ्रमण करने के बाद यहीं आकर विश्राम करते हैं और चौसर भी खेलते हैं। यह मंदिर है खंडवा का ओंकारेश्वर मंदिर। भगवान शिव का यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास स्थित है, नर्मदा नदी के मध्य। ओंकार पर्वत पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। भगवान शिव का यह चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश के निमाड़ में है। यह खंडवा जिले के नर्मदा नदी के बीचों बीच ओंकार पर्वत पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के श्रीमुख से हुई थी, इसलिए हर धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ शब्द के साथ किया जाता है। ओंकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में भी है। साथ ही यहां शिवलिंग की आकृति के आकार की है, इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान भोलेनाथ तीन लोकों का भ्रमण कर रात में यहां विश्राम करने आते हैं। यहां माता पार्वती भी विराजित है। माना जाता है कि रात शयन से पहले भगवान शिव और माता पार्वती यहां चौसर खेलते हैं, इसी वजह से यहां शयन आरती भी की जाती है। शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के सामने रोज चौसर पांसे की बिसात सजाई जाती है। इस मंदिर में रात में शयन आरती के बाद गर्भगृह में कोई भी नहीं जाता। शयन आरती के बाद रोज रात को भगवान शिव के सामने चौसर और पांसे रख दिए जाते हैं। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं तो पासे उल्टे मिलते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान शिव की गुप्त आरती की जाती है, जहां पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। पुजारी भगवान शिव का विशेष पूजन एवं अभिषेक करते हैं।